हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान आर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ड्राइंग नहीं बनाने वाले हैं। आज जो है आप लोग के जो कमेंट्स आते हैं उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, काफ़ी मेरा कॉन्फिडेंस राइज होता है और मैं अगली वीडियो में अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। और जो है यही कमेंट्स में से एक कमेंट्स मुझे मेल के ज़रिए आया है, जिसमें शुभम चौहान लिखते हैं, एक उन्होंने छोटा सा क्वेश्चन किया है और वो क्वेश्चन है बहुत छोटा सा लेकिन बहुत वैल्यूएबल क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा कि उन्हें उस पर एक वीडियो बनाई जाए। वो क्वेश्चन करते हैं कि क्लच पेंसिल जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती है और लीड भी ठीक से नहीं निकलती। अच्छा, तो क्लच पेंसिल मींस मैकेनिकल पेंसिल, काफ़ी लोग उसे पेन पेंसिल भी बोलते हैं। और आपने काफ़ी यूट्यूबर्स लोग की वीडियो देखी रहेगी जिसमें वो लोग मैकेनिकल पेंसिल के बारे में काफ़ी डिटेल में जानकारी देते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल पेंसिल जो है वो डिज़ाइनिंग में यूज़ होती है, खास करके उन स्टूडेंट्स लोग के लिए आज का वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है जो मैकेनिकल, सिविल और डिज़ाइनिंग फील्ड से जो ताल्लुक रखते हैं या अभी वो बिगनर से अभी सीख रहे। तो बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें आती है मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ करते दौरान, कि जब कुछ टाइम हमको ऐसा लगता है कि शायद वो अब हम यूज़ नहीं कर सकते, ख़राब हो गई है, वो सोच के हम उसे फेंक देते हैं। तो मैंने ऐसे तीन बेसिक उसके पॉइंट्स निकाले, ब्रेकिंग पॉइंट्स, जहाँ पे वो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लेकिन मैंने उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशन भी बताए कि आप उसको कैसा उसको प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकते हो, ठीक है। तो आप जाइए वीडियो को देखिए और आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब वीडियो से मिल जाए। चलते वीडियो पे, जय हिंद। तो दोस्तों, ये रही मेरी मैकेनिकल पेंसिल जो मैं यूज़ करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये पेंसिल जो है आप देख रहे हैं, ये पेंसिल ये मैंने 2014 में ख़रीदा था। आप इसकी इमेज ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि ये पहले कैसी थी जब मैंने इसे लिया था, और उसी टाइम मैंने इसे काफ़ी मॉडिफ़ाई कर दिया था क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है कुछ भी चीज़ को मतलब खोल के उसको थोड़ा मॉडिफाई करके करने का। तो ये देख सकते हैं आप कि इसका लुक काफ़ी चेंज हो गया है। और ये देखिए, मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊं कि ये जो पेंसिल में आप ये जो क्रैक देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो क्रैक्स आपको दिख रहे हैं, ये यहाँ से दो से तीन बार टूट चुकी है। प्लस इसका ये देख रहे हैं आप, ये किस तरीके से इसका जो स्टील कोटिंग है ये अभी एकदम घस गया है और अंदर का मेटल भी झलक रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि देखिए, ये 0.5 mm की पेंसिल, ये देखिए इसका ये भी घस गया एकदम, ये यहाँ थोड़ा सा दिखता है ना। तो ये पेंसिल, लेकिन आज भी मैं इससे ड्राइंग बनाता हूँ। आप काफ़ी ड्राइंग्स मेरी देखे रहेंगे इससे पहले पिछली वीडियो में। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए, कोई भी चीज़ थोड़ा हम संभालेंगे तो वो बिल्कुल काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है। और ये कैमलिन काफ़ी मतलब अच्छी क्वालिटी में आपको चीप रेट में ये बहुत सी स्टेशनरी दुकान में नॉर्मल भी आपको किधर पे मिल जाएगी, अमेज़ोन से भी आप ले सकते हैं कैमलिन टेक्नो की ये पेंसिल। तो ठीक है, मैं आपको अब मैं ये बता देता हूँ कि अगर कैसी कैसी कंडीशन में जब लीड बाहर नहीं निकलती है, जब यहाँ से लीड बाहर नहीं आती, तो काफ़ी लोग सोचते हैं कि मेरी पेंसिल शायद ख़राब हो गई है और ये सोच के वो फेंक देते हैं या उसे तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, ये कैमलिन पेंसिल अपना मैकेनिकल जो पेंसिल है, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसे यूज़ करना, लेकिन इतना भी टफ़ नहीं होता। और जब कुछ चीज़ें इसमें जैसे प्रॉपरली वर्क नहीं करती, 0.5 mm की ये लीड होती है, इसमें आप देख सकते हैं कितना बारीक इसका जो ये आगे का जो पॉइंट है, देखिए कितना बारीक है ना। तो इतना बारीक लीड अगर आप इसके अंदर जब इसमें वर्क होता है, जब उसका मैकेनिज़म वर्क करता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आने के चांसेस है। और लीड भी काफ़ी नाजुक होती है, ये बात जो मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करते हैं वो लोग जानते होंगे कि लीड कितनी नाजुक होती है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए ये आज भी कैसे प्रॉपरली वर्क करती है, आप देख सकते हैं इसमें लीड जो है प्रॉपरली आज भी बाहर आती है। और मैं इसे जैसा पहले यूज़ करता था वैसे ही मैं आज भी इसे यूज़ करता हूँ, है ना। तो सेकेंड ये कि मैं अब आपको बताता हूँ कि देखिए इसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हो। इसके लिए मैं इसको जल्दी से पहले खोल देता हूँ तो, है ना, ताकि मैं आपको डिटेल में बता सकूँ।
तो चलिए हमने इसे खोल लिया है, तो मैं आपको कुछ इसके पार्ट्स के बारे में बता देता हूँ कि देखिए पहले तो इसके थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। आप एक देख रहे हैं, ये इसकी बॉडी है ना, जो इसका ये आउटर पार्ट है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, आप देख सकते हैं पूरा हॉलो है अंदर से, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर ये एक हो गया इसका कैप है, ये जो ये इसके ऊपर लगा था, देखिए इसमें आज भी वो पेपर है जो मैंने उस टाइम पे मॉडिफाई करते टाइम इसका ओरिजिनल कैप का कलर अंदर दिख रहा रहेगा आपको, जो मैंने इसमें फिक्स किया था। और ये इसके आगे का टिप है, जहाँ से एक नोज़ल की शेप में होता है, ये देखिए जहाँ से जो है इतना बारीक इसमें होल होता है और इसमें से लीड जो बाहर आती है। इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरनल थ्रेड आपको दिख रहे रहेंगे, जो यहाँ पे इधर पे ये जो थ्रेड है ये एक्सटर्नल थ्रेड पे ये यहाँ पे माउंट होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखिए मोस्टली क्या होता है कि जब हम लोग पेंसिल यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए इसमें ना ये आपको 3 जॉ दिख रहे हैं। ये देखिए मैं आपको बता दूँ इधर पे, ये देखिए ये जो है बारीक छोटे छोटे ये लाइन 1, 2 एंड 3, ये इसको हम बोलते हैं जॉ, और क्लैम भी बोलते हैं कि हम इसे क्लैम भी बोल सकते हैं, क्योंकि लीड को देख सकते हैं आपके किस तरीके से इसने क्लैम करके रखा है ना, ये लीड इसमें से निकलती है। अब मोस्टली क्या होता है कि जब लीड फंस जाती है या फिर लीड निकलती नहीं है, तो बहुत से लोग समझते हैं कि शायद हमारी पेंसिल ख़राब हो गई है और वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, तो वो उसे फेंक देते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली होता क्या है अंदर, कि मसला क्या होता है कि जहाँ पे पेंसिल आपकी आगे लीड जो एक्सटेंड नहीं होती। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए जो इसके ये जो लीड है ये आप देख रहे हो कि ये ना यहाँ जॉ के साइड में हो गई है ना, ये देखिए ये इधर साइड में हो गई, जबकि इसको होना चाहिए था यहाँ सेंटर में। अब जल्दी जल्दी में क्या होता है कि कभी पेंसिल हाथ से गिर जाती है या फिर हम लोग जल्दी जल्दी उसको प्रेस करते हैं उसके अपना कैप को, जो कि लीड को जल्दी एक्सटेंड करने के लिए, तो लीड कभी कभी इस तरीके से फंस जाती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं कि इसको बीच में आपको किस तरह लाना है। आप ये कैप को धीरे से पकड़ के पीछे करेंगे और देखिए ये लीड को आप बीच में ला के यहाँ छोड़ देंगे, तो ये प्रॉपरली जब बीच में आ जाएगा इधर पर, तो ये लीड जो है ये प्रॉपरली एक्सटेंड होगा बाहर की तरफ और ये आपको परेशानी नहीं देगा, है ना। अब इसमें होता क्या है कि जब साइड में होता है, हम लोग अनवांटेड प्रेशर जब इस पर लगाते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से, इसको देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए लीड दिख रही है आपको रिलीज़ हो रही है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग अनवांटेड प्रेशर इस पर ज़ोर से लगाते हैं तो लीड काफ़ी नाजुक होती है और उस वजह से लीड जो है वो टूट जाती है। अब मैं दूसरा आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि क्या मसला और हो सकता है। और दूसरी कंडीशन में ये हो सकता है कि देखिए जिस तरीके से मैंने आपके लिए खाली इसमें कि लीड लगाया है यहाँ पर, कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम क्या होता है कि पेंसिल हमारी हाथ से गिर जाती है या फिर हम ज़्यादा प्रेशर देने की वजह से लीड जो है वो इतने से ही पोर्शन में जो है वो टूट जाती हो, तो यहीं के यहीं लीड अगर टूट जाए या इतने पोर्शन टूटे और यहाँ से हम लोग इसको इतना पॉसिबल नहीं है कि इसको यहाँ से हम लोग किसी तरीके से पकड़ के निकाल सके, क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफ़ी छोटी सी एकदम लीड है, ये पकड़ने में भी ठीक से आएगी नहीं और हो सकता है कि ये और अंदर चली जाए, तो इस वजह से भी आपकी लीड एक्सटेंड नहीं हो पाती। तो इसका एक सिंपल सा तरीका क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ, क्या करना है कि देखिए ये यहाँ पे इसको उंगली से ऐसा थोड़ा सा प्रेस कर देना है आपकी फिंगर से, और सेम यही 0.5 की एक लीड लेना है आपको, ठीक है। और ये लीड लेके आपको सिर्फ क्या करना है कि ध्यान से जो इसका टिप है जहाँ से आपने अभी लीड को प्रेस किया है वहाँ पे इसको संभाल के धीरे से वहाँ से प्रेस करना है, और आप देखेंगे कि आपकी जो लीड है वो यहाँ से बाहर आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये लीड यहाँ से जो है वो बाहर आ गई है, ठीक है, तो ये लीड आपकी आ गई है यहाँ बाहर, आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो है अभी आगे का टिप जो है वो फ्री हो गया है ना, तो ये आप इसको फिर निकाल लीजिए। एक ये सेकंड कंडीशन हो गई कि ये यहाँ पे आपकी लीड अटक सकती है। अब हम बढ़ते हैं थर्ड कंडीशन। तो थर्ड कंडीशन में ये हो सकता है कि देखिए क्या मोस्टली क्या होता है, काफ़ी बार मेरे हाथ से भी ये चीज़ हो चुकी है कि जो हमारी पेन है वो कुछ इस तरीके से ज़मीन पर गिर जाती है, मतलब अपने जो इसका जो आगे का जो यही पे जो पॉइंट है इसके बल पे जो है नीचे गिर जाती है, या पॉइंट ज़मीन पे काफ़ी ज़ोर से जो है वो हिट कर जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि या तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपका ये जो पॉइंट है वो अंदर की तरफ चला जाए। अब अभी मेरी पेंसिल में ये पॉइंट यहाँ पे फिक्स है, मतलब ये अंदर नहीं जा सकता, तो मेरे उसमें कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो पॉइंट है ये जो है ये दब जाता है, जो आप ये पॉइंट देख रहे हो ये जो होल दिख रहा है आपको ये छोटा हो जाता है, मतलब ये और दब जाता है। तो फिर मैं यहाँ से कितना भी इसको प्रेशर लगाऊँ यहाँ पे
पुश करूँ लेकिन ये कुछ भी काम नहीं करेगा, मतलब लीड जो है वो बाहर नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको जस्ट एक कंपास लेना है, आपको एक कंपास लेना है और वो कंपास की जो नोक होती है, जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट को इसके अंदर लगा के, यहाँ पे ये पॉइंट को लगा के आपको जस्ट हल्का सा प्रेस करना है, दोनों एकदम हल्का सा एकदम प्रेस करके इसे गोल घुमा देना है। जिससे क्या होगा कि इसके आगे का जो ये जो नीप है, ये जो इसका नोजल आगे जैसा है, ये थोड़ा सा ये बढ़ जाएगा, वापस अपनी शेप में आ जाएगा। तो शेप में आ जाने के बाद में फिर ये आप जब इसको लीड को निकालोगे तो ये प्रॉपरली वर्क करने लगेगा। तो बस ये तीन चीज़ें थी जो काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये तीन चीज़ें ऐसी होती है, ये तीनों तरीके से जो पेंसिल जो है वो डैमेज होती है और हम ये समझ के उसके फेंक देते हैं कि अब ये काम नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं है, देखिए काफ़ी पुरानी मेरी पेंसिल है जिसे मैं अभी भी 6 साल हो गए इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी ये पेंसिल इजीली परचेस कर सकते हैं, अभी भी मार्केट में भी आपको मिल जाएगी, ये फ़िलहाल लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन के बाद मिल जाएगी, या फिर आप अमेज़ोन पे भी इसे मंगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ काम आ जाए आपके ये वीडियो में, कुछ ऐसा पार्ट हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।